जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसमें आपके इग्नू की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज की इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी आपके दिसंबर एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। दिसंबर एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक आया है, वो आपको कहाँ मिलेगा और किस तरह आप फॉर्म को भरेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस जो आपको इग्नू की तरफ से दिए गए हैं। सबसे पहले नोटिस की बात करें तो ये 1 अक्टूबर 2021 को ही स्टूडेंट इवेल्यूशन डिवीजन की तरफ से पब्लिश की गई है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन होनी बाकी है। विदाउट कंफर्मेशन के मैं आपको कुछ नहीं बताती। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं यहाँ से स्टूडेंट इवेल्यूशन डिवीजन एस के मिश्रा जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनकी यहाँ पे ये सिग्नेचर है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंशन यानी कि आपके असाइनमेंट सबमिशन की जो आखिरी तारीख है, दिसंबर असाइनमेंट सबमिशन की आखिरी तारीख वो 31 अक्टूबर कर दी गई है। यूजुअली आपको बता दूं कि इग्नू की तरफ से जो सितंबर में असाइनमेंट सबमिट होती है यानी कि जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट जो हैं वो 1 से 30 सितंबर के बीच में अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन इस बार डेट एक्सटेंड हुई है और 31 अक्टूबर तक मौका दिया गया है। अब असाइनमेंट आपको कैसे सबमिट करनी है ये बताया जाएगा आपको आपके सेंटर्स द्वारा। लेकिन यहाँ पे बताया गया है सबमिशन ऑफ असाइनमेंट बोथ इन हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी। आप किसी भी तरह सबमिट कर सकते हैं, हार्ड कॉपी में भी और सॉफ्ट कॉपी में से। हार्ड कॉपी सबमिट करने का सबसे बेस्ट अगर आपको लगता है तो मुझे लगता है हार्ड कॉपी है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी यानी कि बाय PDF ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, बट डोंट वरी, आप उसको भी कर सकते हैं जो तरीका आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट अपडेट है आपके रिजल्ट के बारे में। 1 अक्टूबर तक के जितने भी रिजल्ट हैं वो यहाँ पब्लिश हो चुके हैं। बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट अभी एक पेपर या दो पेपर का ही शो कर रहा है, बाकी पेपरों का रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नॉट येट टू बी डिक्लेयर, ऐसा कुछ सेंटेंस आपके पास आ रहा है। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बताती हूँ कि इसका रीज़न ये है कि अभी तक आपके बाकी पेपर चेक नहीं हुए हैं और उनका रिजल्ट जो है उनके मार्क्स वो अपडेट नहीं हुए। जैसे ही वो अपडेट होंगे आपको यहाँ पे शो होने लगेगा, तो डोंट वरी। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि हमारा असाइनमेंट जो है उसके मार्क्स नहीं मिले हैं, तो असाइनमेंट का मार्क्स आपको यहाँ शो नहीं होगा, असाइनमेंट का मार्क्स शो होगा आपको आपकी आईडी में। तो आईडी में लॉगिन हुई है, वहाँ चेक कीजिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आप सबके लिए नेक्स्ट अपडेट है जो आप सबके लिए है, ये है आपके इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इशू ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। 34th यानी 34वें दीक्षांत समारोह में जो भी कैंडिडेट जो अपना सर्टिफिकेट नहीं ले पाए थे वो अभी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का प्रोसेस भी बताया गया है, कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने दिसंबर 2019 और जून 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशंस में अपना कोर्स कंप्लीट किया है। और उसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फ़ी देनी होगी जो कि है 200 रुपये, और ये डायरेक्ट स्टूडेंट इवेल्यूशन डिवीज़न को जाएगा। इसे आप किस तरह से सबमिट कर सकते हैं, इसे आप दो तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन दो तरीके से सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका बताओ तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, और दूसरा तरीका है आपका रजिस्टर ऑनलाइन, आप मतलब ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं, फॉर्म देख सकते हैं या ऑफलाइन फिलअप कर सकते हैं, इसके बारे में दिया हुआ। नेक्स्ट अपडेट मैं आपको बता दूं कि लिंक है ऑनलाइन आपके प्रोग्राम में एडमिशन लेने का, तो उसकी तारीख जो है 11 अक्टूबर 2021 है। इसके बाद आप एडमिशन नहीं ले पाओगे तो प्लीज़ जुलाई सेशन में एडमिशन ले लीजिए। नेक्स्ट अपडेट है आप सबके लिए यहाँ पे स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड की तरफ से। और नेक्स्ट अपडेट बता दूं, आपकी गाइडलाइन आई है एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, जो फॉर्म था ना, ये एग्जामिनेशन फॉर्म जून 2021 का था, और ये एग्जामिनेशन फॉर्म था प्रोग्राम जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस के लिए। बात करते हैं अक्टूबर का, तो अक्टूबर एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए सबसे पहले इग्नू के वेबसाइट पे आना होगा, ignu.ac.in। उसके बाद आपको आना होगा स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन में यहाँ पे आप देखिए टर्म एंड एग्ज़ाम, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा आपको 2021 का एग्जामिनेशन फॉर्म, 2021 जून का एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी कि अभी तक दिसंबर एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुआ। मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन बस इतना था। बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है, पर ऐसा नहीं है। फाइनल चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा। अभी तक फाइनल ईयर के रिजल्ट क्लियर नहीं हुए हैं और एग्जामिनेशन के फॉर्म दिसंबर के महज आपके
एग्जामिनेशन से एक महीने पहले होते हैं। यानी आपको बता दूं, दिसंबर में अगर आपका एग्जामिनेशन शुरू होता है तो उसके एक महीने पहले यानी कि नवंबर में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा। अब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में उसका समय बहुत शॉर्ट लिस्टेड होता है, ज़्यादा समय तो दिया नहीं जाता, एक महीने ही काफ़ी होते हैं समय। तो आपको बता दूं कि अक्टूबर के लास्ट वीक से नवंबर के फर्स्ट वीक तक इस बीच में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा। लेकिन दो तीन चीज़ें याद ज़रूर रखिएगा, आपको जो एग्जामिनेशन का फ़ी है वो जो है आपके 200 रुपये हैं। अब इसमें अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग ऐसा नहीं है कि लगेगा, अगर आप मास्टर्स करें तो उसके लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर वाइज 200 रुपये लगते ही हैं। दो तीन चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, इस नोटिस को ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है पहले से ही, तो क्या ये जो रूल रेगुलेशन है वो दिसंबर वालों के लिए लागू होती है? नहीं, जो कैंडिडेट जून में एग्जामिनेशंस नहीं दे पाए हैं क्या वो दिसंबर में एग्जामिनेशंस देंगे? जी हाँ, डेफिनेटली देंगे। अब कौन से कैंडिडेट देंगे, कौन से कैंडिडेट नहीं देंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर देख लीजिए कि आप अपना वैलिडिटी ज़रूर चेक कीजिए। यहाँ पे जो आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन की जो वैलिडिटी है ना आपकी, मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन आपका कोर्स, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी होनी चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपना स्टडी सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर आपका नियरेस्ट ही आपको दिया जाएगा ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन, तो इसके लिए फिक्र मत कीजिए। जो आपके सबसे नियरेस्ट होगा वही एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज़ करना, और सबसे पहले चूज़ करना, अगर आप लेट हो गए तो आपको हो जाएगी मुश्किल। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। वैसे जब आएगी एग्जामिनेशन फॉर्म हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, तो इधर उधर की सारी अपडेट देखना छोड़िए और जो सही है उसको ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है असाइनमेंट सबमिशन की। असाइनमेंट सबमिशन का पेपर, क्वेश्चन पेपर आपको इग्नो के वेबसाइट से मिल जाएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट सपोर्ट पे आइए और यहाँ पे देखिए डाउनलोड वाला सेक्शन है। जैसे ही आप डाउनलोड वाले सेक्शन में आएंगे आपको दिख जाएगा यहाँ पे असाइनमेंट। देखिए ये है असाइनमेंट, असाइनमेंट के टैब पे आइए, आपको यहाँ दिख जाएगा बहुत सारा असाइनमेंट। यहाँ पे सेक्शन देख लीजिए, ये मास्टर डिग्री का है, इसके आगे आपको दिख जाएगा बैचलर डिग्री का सेक्शन, डिप्लोमा डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो डोंट वरी, यहाँ से आप इजीली निकालिए इसको और अपने क्वेश्चन पेपर को निकालिए और देखिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पे मिलेगा। और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके बनाइए। असाइनमेंट बनाने से पहले दो तीन वीडियो ज़रूर देख लीजिए। असाइनमेंट आप कैसे बना सकते हैं, देखिए रेडीमेड असाइनमेंट भी मिलती है जो ऑनलाइन बिकती है, आप वहाँ से असाइनमेंट ले सकते हैं। असाइनमेंट को पूरी के पूरी तरह से आपको कॉपी नहीं करना है, उसमें कुछ वर्ड आपको खुद भी ऐड करने हैं। असाइनमेंट लिखने का तरीका ज़रूर आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डिमांड पे, अगर आप डिमांड करते हो तो फिर मैं असाइनमेंट अपने से बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसके थ्रू आप 100 में से 80 नंबर तो लेके ही आओगे, ये मेरी गारंटी है। इसके आगे आपकी हैंडराइटिंग भी काफ़ी मायने रखती है, जितनी सुंदर होगी आपकी हैंडराइटिंग उतने अच्छे आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, और जी हाँ, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी ऐसी खबरें हम आपको देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।